वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके अंदर अपन करंट जीके के बारे में पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो है ये करंट जीके के बारे में, तो कैसा लगता है ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर मैं करंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें आपको कम टाइम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो लाइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है तो इसको ज़रूर सपोर्ट करें और कैसा लगता है ज़रूर बताएं। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता? तो ये एशिया कप हुआ था जनवरी के अंदर, तो उसके बारे में अभी एशिया वर्ल्ड कप हो चुका है और भारत जीत चुका है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। इसमें एशिया कप के बारे में पूछा है कि अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश के ने जीता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता था। अभी हुआ जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है और ये एशिया का खिताब भारत ने जीता था। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता था और ये रनर अप श्रीलंका रही थी और ये कहाँ पे खेला गया था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था और ये खिताब भारत ने 8वीं बार जीता है। कितनी बार? 8वीं बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने 100% आबादी को COVID-19 टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? मतलब 100% ऐसा राज्य है जिसने आबादी ने COVID-19 अपनी डोज या वैक्सीन लगा ली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में अपन जानकारी लेंगे थोड़ी बहुत। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के सीएम है चंद्रशेखर राव, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर डॉक्टर तमिल ताई सौंदर राजन, नाम ऐसा ही है, तमिल ताई सौंदर राजन यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की हिमा कोहली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। तो हिमा कोहली एक ऐसी महिला है जो पूरे भारत में एक जगह प्रेजेंट टाइम ओनली एक ही महिला है, जो पहली महिला है जो यहाँ पे चीफ जस्टिस बनी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी याद रखें। और यहाँ का एक मंदिर है जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, तो उसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल जीवन मिशन के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे अब कुछ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, बीचों बीच है तो इसका नाम भोपाल है, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई शिव पटेल। एमपी को टाइगर रिजर्व में मतलब एक अलग ही तरफ से ख्याति प्राप्त है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो कान्हा, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क यहाँ पे बनाए रखे हैं जो टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ की शिवराज गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम चालू की है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ये योजना अब क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार के मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कौन से राज्य में स्टार्ट की गई, तो मध्य प्रदेश, और यहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने चालू कर रखी है इसको। यहाँ का एक अभ्यारण्य है रानला मंडल अभ्यारण्य, जिसमें नाइट के अंदर सफारी शुरू की गई है, तो यहाँ पे आप नाइट में भी सफारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो इसमें दक्षिण कोरिया है जो 2026 तक अपना खुद का सूर्य बनाने की घोषणा की, और अभी हाल ही में चीन ने अपना खुद का सूर्य बना दिया है, तो इसके बाद दक्षिण कोरिया भी होड़ में लग चुका है और ये भी दक्षिण कोरिया भी 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य ग्रह बना देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिए? तो वृद्धाओं को जो पेंशन मिलती है उसको 1200 रुपये बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिए, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1200 रुपये बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिए हैं सरकार वृद्धावस्था पेंशन को। तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ की राजधानी है देहरादून और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामनी यहाँ के सीएम है, और यहाँ गवर्नर कौन है? गुरुमेत सिंह।
तो ये काफ़ी है इसके लिए जानकारी। रेलवे का क्वेश्चन आया, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में या सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा वीके त्रिपाठी, ऑप्शन ए राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे एग्जाम के लिए, और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले लिए जो एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, फालतू के इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लिए टाइम पास करने के लिए। भुवनेश्वर में आयोजित 4थी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नितेश कुमार, ऑप्शन ए इज राइट। और आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कमेंट करके बताना है, राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे आंसर। ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें मैंने ट्राई किया था करण जीके के बारे में, तो 5 मिनट में करीबन बस 10-12 क्वेश्चन आराम से मैंने सॉल्व बता दिया आपको इसकी डिटेल के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होता है। और कैसा लगा ये मेरा ट्राई, पहली बार ट्राई किया है, तो इसको बताएं मेरे कमेंट करके, जिससे पता चले कि आगे और सुधार किया जाए इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।